दोस्तों, ये जो इंटरफेस आपको दिखाई दे रहा है, जो आपके स्क्रीन पर यहाँ पे दिख रहा है कि संचार साथी एक ऐसा पोर्टल है, एन इंटीग्रेटेड सिटीजन सेंट्रिक वेब पोर्टल जो है, ये एक ऐसा जो है पोर्टल है जो कि हर एक इंडिविजुअल और हर एक स्मार्टफोन यूज़र्स को इसके बारे में पता होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बहुत सारे केसेस में आपके फ़ोन जो है चोरी हो जाते थे पहले, इसके जो है इस वेबसाइट की जो है अनुमति सिर्फ जो है कुछ ही स्टेट्स में ये रनिंग कर रहे थे, लेकिन अब जो है फाइनली गवर्नमेंट ने इसको पूरे ऑल ओवर इंडिया के लिए जो है लॉन्च कर दिया है। सो ये पोर्टल्स के बारे में आपको जो है कम्प्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा इस वीडियो में कि कैसे आपको यूज़ करना है और इसकी क्या क्या बेनिफिट होने वाले हैं। और ये वीडियो आपके लिए ही नहीं, ये सभी इंडिविजुअल पर्सन के लिए जितने भी स्मार्टफोन यूज़र होते हैं, और अपने रिलेटिव के साथ भी इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा, फ्रेंड के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये सभी को पता होना चाहिए कि इस पोर्टल को हमें कैसे यूज़ करना है और ये पोर्टल हमारे किस काम का आने वाला है। सो जब आपके फ़ोन चोरी होते थे तो वो जो है आपको बहुत सारे उसमें ऐसे पर्सनल आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स या कुछ भी होते थे, आप सभी को पता है कि मोबाइल हर कुछ आपके लिए सब कुछ वही है, ठीक है। अभी प्रेजेंट टाइम के लिए सारा काम आपका उसी में सब कुछ होता है, तो जब फ़ोन गायब हो जाता तो आपको काफ़ी दिक्कत होती है कि फ़ोन अब मिलेगा कैसे और इसको कहाँ से मैं पाऊँगा। सो इस वेबसाइट के ज़रिए आप जो है आसानी के साथ इस फ़ोन का रिक्वेस्ट डाल के आप जो है रिक्वेस्ट ट्रैक कर सकते हो, फ़ोन हमारा कहाँ पे है, ये सारा चीज़ जो है संचार साथी की टीम जो है आपको हेल्प ज़रूर करेगी। कुछ इस तरह का यहाँ पे रिक्वेस्ट होता है, जिस रिक्वेस्ट को आपको सबमिट करना होता है उसको आप सबमिट करके जो है आप जो है अपनी फ़ोन को जो है पा सकते हो। अगर आपको मिलता नहीं है तो ब्लॉक ज़रूर हो जाएगा, तो चोरी करने वाला भी डरेगा, क्योंकि अब जो है आप सभी के लिए है और ये आसानी से ट्रैक भी होगा। सो इसकी वेबसाइट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में जाके चेकआउट ज़रूर कर लीजिएगा। सो यहाँ पर जब आप इस वाले वेबसाइट पर आ जाओगे तो आपको यहाँ पर कुछ जो है इस तरह का जो है इंटरफेस दिखाई देगा। आपको यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर जो इसका रियल टाइम डाटा यहाँ पर दिखाया जाता है, तो यहाँ पर इन्होंने बताया भी है कि मोबाइल इतने हमने ब्लॉक भी किया और इतने मोबाइल हमने ट्रैक भी किया और रिक्वेस्ट हमने रिसीव भी किया और रिक्वेस्ट को रिजॉल्व भी किया है। वो सारा डाटा यहाँ पे जो है इन्होंने प्रोवाइड करके रखा है, तो ये काफ़ी कमाल का है और इसको जो है आपको ज़रूर जो है जानना चाहिए और वीडियो को ज़रूर कंप्लीट देखिएगा दोस्तों। सो इस वेबसाइट के जो है आपको नीचे यहाँ पे दो सर्विस मिल जाएगी, जैसे ये आपको रिक्वेस्ट फॉर ब्लॉकिंग लॉस्ट है, इसको मैं आपको दिखा देता हूँ कि सेकेंड वाले ऑप्शन पे जब आप यहाँ आएंगे, दोनों का लिंक मैं आपको दे दूंगा, तो आपको सबसे नीचे यहाँ पे आ जाना। आप देख सकते हैं सिटीजन सेंट्रिक सर्विस दो ऑप्शन होते हैं, एक होता है CEIR जो यहाँ पे आपको रिक्वेस्ट ब्लॉक करने के लिए देना है और फाइंड करने के लिए, और दूसरा होता है नो योर मोबाइल कनेक्शन, ठीक है। ये टाइप कॉप का है, इसका वीडियो ऑलरेडी मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर प्रोवाइड किया है, ठीक है। आपको आई बटन में दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा कि कैसे आप अपने आधार कार्ड से और मोबाइल नंबर डाल के जो है वेरीफिकेशन करके आप ये जान सकते हो कि मेरे नाम से कितने सारे सिम कार्ड चल रहे हैं, कोई फर्जी सिम तो मेरे नाम से नहीं तो यूज़ कर रहा है, तो वो नंबर आपको दिखा देगा कि आपके नाम पे इतने सारे सिम रनिंग हो रहे हैं। अगर उसमें कोई अनवांटेड दिखता है तो आप जो है उसको इजली वहाँ से ब्लॉक करवा सकते हो और रिमूव करा सकते हो अपने नाम से कि सर ये मेरा सिम कार्ड नहीं है। तो सिंपली CEIR का जो सर्विस है, यहाँ पर जब आप क्लिक करोगे, अगर आपका फ़ोन डैमेज या कहीं पर गुम हो गया है तो उसको कोई मिसयूज़ ना करे और वो मिल भी जाए, तो इसके लिए आपको डिवाइस इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपको दे देनी है, मोबाइल नंबर एंड देन यहाँ पर IMEI नंबर दे देना है, उसके बाद डिवाइस ब्रांड देना है, मॉडल दे देना है, एंड देन यहाँ पे परचेस का इनवॉइस नंबर जो है यहाँ पे आपको अपलोड कर देना है, कॉपी उसका, आज कहाँ से गायब हुआ उसका प्लेस डाल देना, किस डेट को गायब हुआ, किस स्टेट से हुआ, किस डिस्ट्रिक्ट से हुआ, और यहाँ पे एक FIR पुलिस की ज़रूर यहाँ पे सबमिट कर देना, जिससे बहुत ही आसानी होगी आपको। कुछ यहाँ पे मोबाइल ऑनर का पर्सनल इन्फॉर्मेशन दे देना, नेम जैसे आइडेंटिटी, उसके बाद एड्रेस एंड देन यहाँ पे ईमेल ID एंड देन यहाँ पे कैप्चा फिल करके आपको यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट कर लेना है, देन सबमिट पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप सबमिट पे क्लिक करोगे देन आपको एक रिक्वेस्ट जो है यहाँ पे रेफरेंस रिक्वेस्ट नंबर मिल जाएगा, जिसको आप आसानी से जो है यहाँ पे चेक भी कर सकते हो। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे तीन ऑप्शन दिए हैं, ब्लॉक हो जाएगा, अनब्लॉक भी हो जाएगा। आपका सिम जैसे ही आपका मोबाइल जैसे ही मिल जाता आपको, तो आप अनब्लॉक भी कर सकते हो और ये आपका यहाँ पे रिक्वेस्ट स्टेटस भी आप देख सकते हो जो आपको रिक्वेस्ट नंबर मिलेगा, ठीक है। सो यहाँ पे तीन सर्विस आपको मिल जाती है, ब्लॉक भी कर सकते हो, अनब्लॉक भी कर सकते हो और स्टेटस को ट्रैक भी कर सकते हो, एंड देन यहाँ पे टैफकॉप के ज़रिए आप जो अपने अनवांटेड सिम को जो है बैन भी कर सकते हो, यानी बंद भी कर सकते हो। सो ये बहुत ही कमाल का वीडियो दोस्तों, शेयर करना मत भूलिएगा किसी के साथ में, और इसको शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। और आपको पता होगा कि चैनल पर अगर आप पहली बार देख रहे हो डिजिटल नसीम को, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखना, आपका भाई ऐसे ही वीडियो जो है लेके आते रहता है आपके लिए, ताकि आप सभी को जो है डिजिटल इंडिया के टाइम में आप सभी को काफ़ी आसानी हो जाए। तो आप देख
देख रहे हो डिजिटल नसीम, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके रखो, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दो और शेयर करना मत भूलिएगा। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।